सरकार जैसे डंडे बरसाई गई थी वैसे बरसाई को टांग कर ले जाया जा रहा है गाड़ियों में, और देख पा रहे होंगे आप, और एक यह महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी को भी पकड़ा गया है यहाँ पर, महिला अभ्यर्थी और भी महिला अभ्यर्थी है जिनको कि यहाँ से टांग कर ले जाया जा रहा है। ये ऐसी सरकार बेरोजगार हुए हम, इनकी मांगे पूरी होगी भाई, इनकी मांगे सरकार के पास ही रखेंगे, शिक्षा विभाग के पास इनको ले जाने के लिए हम आए हुए हैं, ये जाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है सड़क पर उतरने के बाद ही इनको हक मिलेगी? ये तो सड़क पर उतरे हुए जो इलीगल है, तो डेढ़ महीने से यहाँ ऐसे ही गर्दनी विभाग में प्रदर्शन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं की गई। इन ये सभी शिक्षा विभाग में बहाल करने के लिए प्रक्रिया चालू है सरकार की तरफ से। जाने ले चल रहे हैं गांधी मैदान थाना में, सर बंद कर। अरे आप देख पा रहे होंगे कि सभी पदाधिकारीगण वो आ चुके हैं डाक बंगला चौराहे पर, और कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, और कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी से आपकी मांगों को लेकर, आपके प्रतिनिधिमंडल को, चार आदमी को हम ले जा, पहले रुको, चार आदमी को तैयार हैं, अगर आपको चलना है तो आप ये जगह खाली कीजिए और उसके बाद जो है मिलने के लिए चलिए। याद है सर 13 सितंबर गर्दनी, वो हम नहीं जानते हैं, अभी छोड़िए, अरे अभी छोड़ो। हाँ, शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि हम अपने स्तर से कर दिए, हमारे से ऊपर गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं करेंगे। सुनिए, अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग नहीं मिलने जाइएगा और ये रोड जाम किए हुए हैं जो अवैध है, विधि विरुद्ध है, फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। एक बात सर, मेरा भी लास्ट में सुनिए ना सर, सर वो कहते हैं कि मेरे हाथ में ही नहीं है, तो हम उनसे मिलकर क्या करें जब कुछ नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए। अरे वो जो पहले हुआ वो सब छोड़ो ना, आज अभी अभी आप लोगों को सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को मिलवाते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल मिलेंगे ना उनसे कहिए कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कि जितने भी आंदोलन कर रहे हैं उसमें जाओगे कि उनको क्या करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि 4:15 हम टाइम दिए हैं वहाँ पे आके मिल ले, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। सब चीज अगर आपके कहने पर हम लोगों ने टाइम मांगा, हम लोग जाएंगे ना तो कोई मिलेगा ही नहीं। हमारी बात सुनो, नहीं होगा तो फिर रहो यहाँ पे, सुबह से आप लोगों ने टाइम जॉब किया, अगर सोल्यूशन निकाल, अगर प्रशासन को लगता है अवैध है तो हम लोग आपके मार देंगे। आपके बड़े अधिकारी जो है, आपके जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे, वो जुलाई में नोटिफिकेशन दिए थे, लिखित आश्वासन दिए थे कि आप लोगों को जुलाई में जो नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग उठ जाइए, तो फिर वो कहा गया, वो अवैध नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आज हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे और हम लोग सड़क पर ही रहेंगे। मजिस्ट्रेट साहब और पदाधिकारीगण लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं है, नहीं हटने को तैयार है, क्या करेंगे सर, क्या कह रहे हैं सर? अरे हम नहीं बोलेंगे, बोलना भी नहीं चाह रहे प्रशासन, और कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी भी सड़क पर से नहीं हटेंगे। लगातार प्रशासन के तरफ समझाई जा रही है कि आप लोग सड़क पर अवैध रूप से खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये अवैध है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन के द्वारा कही जा रही है कि कानूनी कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार के ये पुलिस है, सरकार जो यहाँ से हटने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं ये लोग हटेंगे नहीं। सर आपको आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को कि यहाँ से हट जाएं, कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, और कहीं ना कहीं यह गैर कानूनी रूप से आप लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? आप लोग हटेंगे या यहाँ पर डटे रहेंगे? डटे रहेंगे, ये जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाज फिर वही हो रहा है। चार बार हम लोग को ले गया गया है और हम लोग को बोला गया, चारों बार घुमाया गया और दिलवाए नहीं, अभी भी फिर वही कर रहे हैं। ठीक, कानूनी कार्रवाई होगी तो होगी, हम लोग कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। आखिरी बार जैसे डंडे बरसाई गई थी वैसे बरसाई, चार वर्षों से सरकार भी जुमलेबाजी करके और इन लोगों को वंचित रख रही है, इस शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली। अरे प्रोसेस चल रहा है उसका, आपको थोड़ा सा क्या चीज का शिक्षक अभ्यर्थी है, सातवीं चरण कितना चरण हुआ है, सातवां चरण का इसका प्रोसेस चल रहा है, आप कुछ भी ऐसे 8-30 दिन तक हम लोग गर्दनी बाग में रहे, एक आदमी भी आकर के मिलते, कोई भी आकर के नहीं मिला, तो कैसे आप लोग बताएं कि यहाँ पर एक और तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी चुप्पी साध रही है। जो मीडिया के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, मैंने पूछा कि चार वर्षों से इन शिक्षक अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं जुमलेबाजी करके वो सरकार जो है वंचित रख रही है शिक्षक भर्ती से, तो क्या
यही जुमलेबाजी करके आप लोग भी आज यहाँ से धरना को तोड़वा के, प्रदर्शन को तोड़वा के और बंदी करेंगे क्या, जैसा पिछली बार की गई थी। प्रशासन की मांग है कि शांतिपूर्ण तरीके से की जाए, लेकिन यहाँ पर आवाज दो, हमें क्या चाहिए, विज्ञप्ति, हमें क्या चाहिए, आज लेंगे, आज लेंगे विज्ञप्ति। नीतीश कुमार शर्म करो, आज लेंगे विज्ञप्ति। इन लोगों का मांग है कि कहीं ना कहीं सरकार से, यही एक सुबह से ये लोग रट लगाए हुए हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी। अनुरोध किया जा रहा है कि आप अपने अपने स्थान से हट जाएं और रास्ते को अवरुद्ध ना करें। आप सभी सज्जन, आप सभी समझदार हैं, आपसे पुनः निवेदन कर रही है जिला प्रशासन कि आप अपना स्थान रास्ते से हटके करें। आपका जो भी धरना प्रदर्शन है वो उचित स्थान पर होना चाहिए। को टांग कर ले जाया जा रहा है गाड़ियों में, और देख पा रहे होंगे आप अभ्यर्थियों को पकड़ के ले जाया जा रहा है, गाड़ी में बंद कर दिया गया है। और एक यह महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी को भी पकड़ा गया है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी और भी महिला अभ्यर्थी है जिनको कि यहाँ से टांग कर ले जाया जा रहा है, टांग कर ले जाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे सरकार तक आवाज पहुँचा रही थी ये लोग, अभ्यर्थी लोग, कि हमको मांग पूरा कर दी, और यहाँ पर मांग ऐसी पूरा हो रही है कि लाठी बरसाई जा रही है और इनको बंद करके ले जाया जा रहा है। लगातार आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से इन अभ्यर्थियों को बंद करके ले जाया जा रहा है गाड़ियों में। जितने भी अभ्यर्थी थे यहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे, और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह जो है चौराहा खाली हो चुका है, और प्रशासन लगातार दौड़ दौड़ कर, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन लगातार दौड़ दौड़ कर यह अभ्यर्थियों को भगाने की काम कर रही है और अपने कानून व्यवस्था को यह फॉलो करवा रही है। इन सभी अभ्यर्थियों को फलस्वरूप मिला तो यही कि बंद करके गाड़ी में लाद करके और ले जाया जा रहा है। लगातार आप देख पा रहे होंगे प्रशासन की पुख्ता इंतजाम कर दिया गया, और इस डाक बंगले चौराहे पर जहां अभ्यर्थी दिख रहे थे वहीं अब प्रशासन ही प्रशासन दिख रही है, खदेड़ कर भगाने की कोशिश की जा रही है सभी उन सभी अभ्यर्थियों को जो उस समय से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। डाक बंगला से गांधी मैदान जाने वाली यह रास्ता है जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि सारे सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर जा रहे हैं, और इन सभी अभ्यर्थियों का बस इतना सा मांग था कि बीटेट, सीटेट और एसटीटी जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मांग था कि हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, सातवीं चरण की बहाली जो चार वर्षों से लगा निलंबित करके रखे हुए थे उनको जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए, और इसी मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे एक सुबह सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो कि डाक बंगला चौराहे पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। अंततः सारी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था करके इन लोगों को खदेड़ा गया डाक बंगला के, डाक बंगला चौराहा से यह गांधी मैदान जाने वाली रास्ता है जिसमें कि आप प्रशासन को देख सकते हैं, प्रशासन की गाड़ियां दौड़ रही है सड़क पर, और कहीं ना कहीं प्रशासन उतर चुकी है अपने सारे सेफ्टी किट के साथ, और इन अभ्यर्थियों को खदेड़ कर भगाने की कोशिश की गई है, और इनके हक को कहीं ना कहीं जो हक के लिए अपना लड़ाई लड़ रहे थे डाक बंगला चौराहे पर, इनको खदेड़ कर भगाने की काम किया गया है, डंडे बरसाए गए हैं इन अभ्यर्थियों पर। अगर इस वीडियो को आप देख पा रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी इस अभ्यर्थियों का आवाज़ बन पाएँ और अच्छे बिहार की रचना कर पाएँ। धन्यवाद।